बना हुआ है? जिंक और कॉपर का बना हुआ है। तो जिंक और कॉपर का मटेरियल है और वो 12.9 ग्राम एयर, जी जी बोलना चाहिए, एयर में वे करता है। कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, और नया वेट क्या हो जाता है? 11.3 जी। तो लॉस इन वेट है, तैर नहीं रहा, लॉस इन वेट है। इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, फॉर्मूला तो ये लगेगा। तो लॉस इन वेट है। व्हाट इज मास ऑफ कॉपर कंटेंट इन द अलॉय? अलॉय के अंदर कॉपर का कंटेंट बताओ कितना है, क्योंकि ये जो है ये मिक्सचर का अमाउंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जिंक एंड कॉपर गिवन है। तो सबसे पहले मास ऑफ जिंक एंड कॉपर कितना है? 12.9 ग्राम। कॉपर का मास कितना है? एम। जिंक का मास कितना है? 12.9 माइनस एम। मान लेते हैं अलॉय है ना, तो अगर एम कॉपर का है तो 12.9 माइनस एम जो है वो मास जिंक है। वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होगा? मास ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर। और वॉल्यूम ऑफ जिंक क्या होगा? मास ऑफ जिंक बाय डेंसिटी ऑफ जिंक। अब डेंसिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर देना स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तक सीजीएस के अंदर डेंसिटीज आ जाए। दोनों वॉल्यूम आ गए। अब वो क्या कह रहा है कि आपने इसको वाटर में डुबो दिया, तो लॉस इन वेट आ गया। लॉस इन वेट क्या है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ कॉपर एंड जिंक का जो टोटल वॉल्यूम है वही वाटर का वॉल्यूम है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम और पूरे बॉडी का वॉल्यूम क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। तो ये क्या आ गया आपके पास? पूरी बॉडी का वॉल्यूम इनटू वेट किसका है? वाटर का। तो डेंसिटी किसकी है? वाटर की इनटू जी। तो वॉल्यूम की वैल्यू बॉडी की और वाटर की सेम है। तो बॉडी की डेंसिटी में कॉपर का वॉल्यूम भी है और जिंक का वॉल्यूम भी है। जी से जी कैंसिल करके एम निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम कैसे निकला? वेट में वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, और वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या बताया मैंने? वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ वाटर एक ही बात है, और बॉडी का वॉल्यूम आपने मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी से निकाल लिया। तो यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना, आंसर आएगा किसमें? मैंने सीजीएस में काम किया, सीजीएस में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, तो 8.9 इंटू 1 8.9 है। ऐसे पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं आपके असाइनमेंट में शायद, नहीं है, नहीं है, अच्छा ये कर लो, ये नहीं है, यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। देखो क्या क्वेश्चन है, आपकी असाइनमेंट में नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहां से क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो एक बार, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया। मेटल क्यूब है, क्यूब है ये, 5 सेंटीमीटर साइड है, एंड रिलेटिव डेंसिटी 9 है। रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके बॉडी की डेंसिटी आ गई। सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, एक धागे से टांग दिया, सो दैट इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो पूरा का पूरा इसको पानी में डाल दिया, कंप्लीटली इमर्स्ड, कोई पोर्शन का बाहर नहीं है। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले क्यूब का क्या करेगा? वेट। वेट क्या होगा? जो एक्चुअल वेट है। दूसरी, इस क्यूब के ऊपर क्या करेगी? टेंशन। इस क्यूब के ऊपर क्या लगेगा पानी की वजह से? अप थ्रस्ट। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से ये इक्विलिब्रियम में, तो ऊपर की फोर्सेस टी प्लस यू इज इक्वल टू नीचे की फोर्स कितना? डब्ल्यू। तो टी प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आएगी? डब्ल्यू माइनस यू। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। बॉडी का वेट, बॉडी की डेंसिटी। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और बॉडी एक ही बात है, लेकिन अपथ्रस्ट में वेट ऑफ वाटर है तो डेंसिटी किसकी, वाटर की इनटू जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, ये क्या आ गया मेरे पास, अपथ्रस्ट। आंसर टेंशन की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसका, ऊपर की फोर्सेज इक्वल टू नीचे की फोर्सेज से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। आंसर लिक्विड की डेंसिटी, हाँ मैंने गलत पुट की है, लिक्विड की डेंसिटी 1000, मैंने वाटर ले ली, सॉरी यहाँ पे पुट करो 12 इंटू 10 की पावर, नेगेटिव आ गया यार, बिल्कुल ये क्वेश्चन ही सही नहीं बैठा, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है इसमें ज़्यादा है और बॉडी की डेंसिटी कम है, तो ये तो ऐसा होएगा ही नहीं है, तो हवा में आके फ्लोट, सही नहीं है क्वेश्चन, डेंसिटी में फ़र्क है मेरे ख्याल से, यहाँ करेक्शन है फिर 1 है, अब सही है, अब सही है, पानी की डेंसिटी तो हो सकती है, अब सही है, अब ये हो जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल ये फिर सोल्यूशन के हिसाब से ठीक है, मैंने देखा ही नहीं वहाँ पर एक्चुअल बाई चांस ठीक हो गया वो, तो यहाँ 1000 के साथ काम कर दिया, शायद मिसप्रिंट है, 12 नहीं है, और वैसे भी 12 डेंसिटी तो बहुत हो गई, ये तो मरकरी के बराबर होगी लिक्विड, हाँ ये 1.2 भी हो सकता था, पर चलो छोड़ो यार, तुम 1000 का कर दो तो भी ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि टेंशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्लियर है, ठीक है मैं करेक्शन कर लूँगा इसमें, डेंसिटी को 1000 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आएगा इसमें। ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है, चलो तुम एक काम करो, तुम पहले ये क्वेश्चन करना, इसका आंसर निकालना, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ लिक्विड ए, पूरी तरह इमर्स्ड है लिक्विड ए में, व्हेन इट इज पुट इन लिक्विड बी इट फ्लोट्स विद 2 सेंटीमीटर आउटसाइड द लिक्विड। अब दो ऊपर तो दो नीचे हो गया, क्योंकि टोटल साइड तो 4 है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड निकालनी है, दोनों तैर रहे, दोनों में ये तैर रहे क्यूब, तो लगाएं प्रिंसिपल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ए होल वेट ऑफ द बॉडी एम जी, वेट ऑफ द लिक्विड क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, पूरे का पूरा क्यूब लिक्विड में है तो वॉल्यूम पूरे के पूरे क्यूब का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम सेम 4 × 4 × 4, और क्योंकि वेट किसका निकल रहा है लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी है लिक्विड की इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, ये नीचे चला गया 2 सेंटीमीटर नीचे गया, तो जब ये 2 सेंटीमीटर नीचे गया तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बी इज वेट ऑफ द बॉडी अगेन, पर इस बार लिक्विड डिस्प्लेस कितना है 4 × 4 × 2, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 4 × 4 है और हाइट इसकी पानी के अंदर 2 है, लिक्विड के अंदर 2 है, तो ये टोटल वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इज होल वेट ऑफ द बॉडी, तो ये और ये mg के इक्वल है, दोनों को इक्वेट करके डेंसिटी की रेशियो निकाल लेना। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि बेसिकली तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज होल वेट ऑफ द बॉडी, और होल वेट ऑफ द बॉडी दोनों लिक्विड में तो राइट हैंड साइड सेम ही रहने वाला है, बस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में फ़र्क है, वहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ए है और यहाँ पर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बी है, इन इक्वेट करके डेंसिटीज की रेशियो निकाल देना। बेस 4x4 है, हाइट 2 है, 4x4 × 2, सही यहाँ तक। और लास्ट क्वेश्चन इसमें इसे करना,
क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल हैज एयर स्पेस इन इट, इस बॉल में हवा है, एक बॉल में हवा है, इट वेज 1 kg इन एयर, हवा में वेट कितना है उसका एक्चुअल वेट कितना है 1 kg एयर में, और 0.6 kg इन वाटर, तो वेट कम हो गया, फाइन। वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस, हवा कितनी है ये बताओ, उसका वॉल्यूम बोलो कितना है। हाँ, तो इसमें ये कुछ करना पड़ेगा, कैसे, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉल विद एयर माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन की बॉल है उसमें हवा भी है, तो आयरन और हवा का वॉल्यूम में से आयरन के वॉल्यूम को क्या कर दिया माइनस, तो हवा का वॉल्यूम आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, लॉस इन वेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लॉस इन वेट, तो बाहर एयर में वेट पता है, लिक्विड में वेट पता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा जितना 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 ये पानी को हवा भरी पड़ी है, अगर बॉल में पानी को क्या फर्क पड़ता है, तुम पूल के अंदर हवा से भरी हुई बॉल को नीचे घेर दो वो तो उतना ही वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा जितना पूरा बॉडी का वॉल्यूम है, तो अंदर चाहे भरी हो चाहे खाली हो वॉल्यूम तो आउटर सेम ही है, तो शेल का और स्फीयर का वॉल्यूम तो सेम ही होता है, तो टोटल वॉल्यूम वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, सॉल्व करके क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, और ये वॉल्यूम है क्या आयरन और एयर दोनों का वॉल्यूम है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है, ये पूरी बॉडी का वॉल्यूम है, तो पूरी बॉडी का इतना वॉल्यूम आ गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है, सही है। अब आयरन अकेले, आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, आयरन का मास अपॉन आयरन का वॉल्यूम, आयरन का मास कितना गिवन है 1 kg, और डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी गिवन है 7200, तो 1/7200 से क्या आ गया आयरन का वॉल्यूम आ गया। हवा का वॉल्यूम कैसे आएगा, तो यहां से जो वॉल्यूम आया था वो आयरन और हवा का वॉल्यूम है, मास अपॉन डेंसिटी से किसका आएगा वॉल्यूम, आयरन का वॉल्यूम आएगा, दोनों को माइनस करके हवा का वॉल्यूम आएगा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसमें,